दूसरे लगातार मैच में रिजवान ने एक बार फिर प्रूव किया कि वाई ही इज बीइंग कॉल्ड द बेस्ट। रिजवान की आज के इनिंग्स को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बाबर के आउट होने के बाद एक गेंद को होल्ड करना था, छोटे टारगेट होते हैं इस पे, द वन थिंग यू डोंट वांट टू डू इज लूज अर्ली ऑन विकेट्स और ज्यादा लूज कर दो, तो उस पे उन्होंने ये चीज ठीक की। तो उसके बाद आई थिंक हफीज भाई का इंटेंट बड़ा अच्छा नजर आया, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा लग रहा था कि गेम को चलाना चाह रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू फॉल शॉर्ट एंड फॉल बिहाइंड, ऑलरेडी यू नो एवरेज ऊपर चढ़ती जा रही थी। तो जो हफीज भाई आए, पहली बॉल पे छक्का लगाया, बड़ा अच्छा इंटेंट शो किया उन्होंने, इट शोज के यू नो द गाय वांट्स टू डू समथिंग, द गाय इज देयर प्लेइंग सेल्फलेसली। ठीक है, ही कुड हैव इजीली कम और वो भी अपनी बॉल्स ले सकते थे जिस तरह बाकी प्लेयर्स ने लिए, एंड फेयर एनफ, लेकिन उनको लगा कि टीम को इस तरफ इस टाइम पे जरूरत है, उन्होंने पहली बॉल से ही। तो यही चीजें हैं, एक टीम जो बनती है यही छोटी छोटी चीजें हैं जो सामने आती है, और आपको ये रिजल्ट्स जो आपके फेवर में जाते हैं वो आपको दैट हाउ यू फीलिंग अबाउट द टीम, आप कितना प्रिपेयर हैं अपने अपने आप में सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने विकेट लूज करने के लिए टीम के लिए, आप कितने प्रिपेयर हैं जान मारने के लिए, आप कितने प्रिपेयर हैं मुश्किल टाइम पे हाथ खड़ा करने के लिए ना कि जान छुड़ाने के लिए, आप कितने प्रिपेयर हैं कि यू नो इवन दो फर्स्ट बैटिंग है यू जस्ट यू नो गोइंग टू द, जो अच्छे फील्डर्स हैं वो भाग रहे हैं मिड ऑन टू मिड ऑन, मैं देख रहा हूँ इधर उधर भाग रहे हैं, किसी ने ओपन करनी होती है, किसी ने वन डाउन आना होता है, अक्सर होता है हम एनर्जी सेव करने जाते हैं, लेकिन यू नो द गाय लाइक सब लड़के जिस तरह भाग रहे हैं, रनिंग अराउंड, कोई भी अपनी किसी भी चीज में छुप नहीं रहा है, दे रेजिंग देयर हैंड्स यू नो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और नॉट टू फॉरगेट कैप्टन जो उन्होंने अंदर आज डिसीजंस लिए हैं, जिस तरह वो लेफ्टी आया तो हफीज भाई को लेके आया, जिस तरह पावर प्ले के बाद वो फिर से इमाद के, आज उस दिन अगर आप देखेंगे उन्होंने सिर्फ उनको दो ओवर कराए थे, या दो राइटी खेल रहे थे तो वो इमाद को वापस लेके आए। आई थिंक ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, यू नो बाबर इज लाइक इंप्रूविंग एवरी सिंगल डे, उनके एटीट्यूड रिदम उनका जो है ना लाइक उनका, द गाय इज इन कंट्रोल, ही लुक्स इन कंट्रोल राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ना सिर्फ इस मैच में, इवन दो पिछले मैच में भी जब वो टॉस पे भी थे वो कंट्रोल में लगे, वो कंपोज लगे, वो काम लगे, उनको मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना ज्यादा कोई सोशल मीडिया वगैरह उन्होंने देखा है, जो मतलब जो उनको आता है, जो उनको समझ आती है वो कर रहे हैं और उस चीज के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। ये बहुत आपने अच्छी निशानदेही की, और मैं भी ये बात देख रहा था कि जो हमारे बाउंड्री राइडर्स थे आज, देवर लाइक लेपर्ड्स, मतलब कि वो अगर जहां डबल का चांस भी बन रहा था तो वो उसको सिंगल कर रहे थे। इस पाकिस्तान की बात करेंगे, लेट्स लुक एट द बैटिंग कार ऑफ पाकिस्तान। गो के बाबर आजम आज जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर रिजवान ने अच्छा स्टीयर अलॉन्ग किया, फखर जमान लुक गुड, और एक बड़ा ही भर के छक्का मारा उन्होंने, बट देन वो एक पीछे हट के खेलना चाह रहे थे जिसपे मे बी शुड हैव बीन फॉरवर्ड। फिर हफीज़ आए और हफीज़ भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्या कहिए, जैसे कि मैंने कहा था कि 20 से 25 रन न्यूजीलैंड बचाता है और फिर ऐसे कैच पकड़ लेता है कि आप हैरान हो जाते हैं। Brilliant. और जैसे अदील भाई कह रहे थे रग्बी, वो ये बंदा रग्बी का प्लेयर लाजमी होगा, नहीं होगा। बट इमाद वसीम अगेन, हम उन पर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि कुछ रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हो गए, बट देन द आइकॉनिक पार्टनरशिप शोएब मलिक और आसिफ अली, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। शोएब मलिक जो थे वो एंकर का रोल उन्होंने आज अदा किया।